नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद सिंह रावत आपका एमसीजी एकेडमी ग्वालियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ के ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं और लगातार मैं आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस का वीडियो लेकर के आ रहा हूं। दोस्तों, आज है आप लोगों का 12 अगस्त और आप ही के साथी ने जो है आप लोगों को जानकारी शेयर की है। इनकी जानकारी आपको पता होना चाहिए कि दिन प्रतिदिन जो है आरपीएफ वाले उसमें थोड़ा सा कठिनाई का स्तर या कुछ ना कुछ बदलाव करते जा रहे हैं। इसी के अपडेट के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर जोड़ रखा है। कोई भी अपडेट होती है तो हमारे भाई जो आज ही 12 अगस्त को ही उनका ट्रेड टेस्ट था, उन्होंने सेंटर से सीधे निकल के हमको जो है इन्फॉर्म किया है कि किस प्रकार से क्या हो रहा है। तो आप लोगों के लिए, आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे भी एक निवेदन है कि जिस दिन आपका ट्रेड टेस्ट हो आप हमें संपर्क कीजिए और आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, जो कोई भी बात आपके मन में रह गई हो। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने बहुत सी अलग अलग बातें बताई हैं तो उनका पूरा अंत तक ज़रूर सुनना है। जैसा कि मैंने कुछ दो हेडिंगें लिख दी हैं, जैसे 10वीं क्लास का मार्कशीट साथ ले जाना बिल्कुल अनिवार्य है, सर्टिफिकेट, तो ये सब कुछ बातें आप लोगों को ध्यान से सुन लेनी है क्या क्या वो कह रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, आरपीएफ वाले बच्चों के लिए मैंने एक और चैनल क्रिएट कर दिया है। मेरा जो चैनल है इसके नीचे जो आरपीएफ ट्रेड टेस्ट के नाम से चैनल क्रिएट कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे बच्चे आरपीएफ के हैं। ये जो चैनल है मेरा एमसीजी एकेडमी, ये दोस्तों एकेडमी है जिस पर जो हमारे टीचर लोग काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, ये सभी लोग टीच करते हैं। लेकिन आप लोग के लिए एक स्पेशल मैंने अड्डा बना दिया है जहाँ पर आप सभी लोग इकट्ठे हो सकते हो। वहाँ पर सारे के सारे बच्चे सिर्फ आरपीएफ वाले ही हैं। वहाँ पर किसी भी वीडियो के यदि आप देखते हो, क्वेश्चन पूछते हो, तो आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर आरपीएफ वाले एक्सपीरियंस बच्चों के द्वारा ही दिया जाएगा। तो आप लोगों को उस चैनल को जरूर ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि 1 तारीख से जो कोई भी नोटिफिकेशन होगा आप लोगों को उसी चैनल पर उपलब्ध होगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, ग्रुप सी और डी वाले कुछ बच्चे जो हैं घबरा रहे हैं, मेरे को हर एक वीडियो में कमेंट करते हैं, सर हमारे एडमिट कार्ड नहीं आए। भाइयों, उनका अभी क्या है, स्टार्ट नहीं हुआ है। जिस दिन भी स्टार्ट हो जाएगा मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। मैं कोई भी फेक वीडियो लेकर के नहीं आता हूँ, बिल्कुल विश्वास के साथ आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। तो इनका आप लोगों को अंत तक सुनना है कि ये आप लोगों से कह क्या रहे हैं। हर एक एक्सपीरियंस आप लोगों को सुनना है, क्योंकि हर एक एक्सपीरियंस आप लोगों को भी एक नया एक्सपीरियंस दे करके जाता है। ओके, तो आप लोगों को इनको ध्यान से सुनना है। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम राहुल। सर, आप किस ट्रेड से हो? सर, वाटर कैरियर। सर, वाटर कैरियर से आपका ट्रेड टेस्ट किस दिनांक में था? सर, मेरा 11 को था। सर, 11 अगस्त ना? सर हाँ, कल। तो सर, आप अपना जो है अनुभव अपने भाइयों के साथ शेयर करना चाहते हो? सर हाँ, क्यों नहीं। सर, आप अपने अनुभव के द्वारा सर अपने भाइयों को थोड़ा प्रमो ऐसा मोटिवेट करना जिससे सर उनका भी थोड़ा अच्छा हो सके। सर सर, इसको थोड़ा सर एक्सप्लेन कीजिए, सर आपके साथ क्या क्या हुआ, सर एकदम शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा बताना। और हमारे कुछ भाइयों का जो है क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं आपसे बीच बीच में पूछता रहूँगा, सर उनको भी आंसर देते रहना, क्योंकि जिस किसी भी भाई के कोई डाउट्स होते हैं सर मैं इसी प्रकार से क्लियर करता हूँ सर उनको। जी 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 सर। तो सर आप बताइएगा सर किस प्रकार से, सर मतलब आपको सुबह से बिल्कुल सर स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट बताना, और कुछ फैक्ट हो, कुछ स्पेशल हो जो आपके भाइयों को प्लस पॉइंट हो सकता है सिलेक्शन में। सर बता दूं क्या आपको? क्या सर? मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, हाँ सर, उसमें जो 10th 12th तक अपना मार्कशीट तो रहती है। सर सर सर, एक आप बिल्कुल शुरुआत से सीक्वेंस से बताइए और एक एक चीज जिसे सभी को अच्छा लगे। सर चलिए ठीक है, जैसे कि मैं जैसे शाम को चला गया था तो वहाँ रुकने की व्यवस्था है सामने, वो 100-200 रुपए दो वहाँ रुको सामने। यस सर। जहाँ फिजिकल होता नासिक में उसके सामने। सामने सर होटल है या सर उन्हीं लोगों का कोई बैरिक वगैरह है? होटल भी नहीं है, बैरिक भी नहीं है, वो एक शादी का पांडाल टाइप है, शादी करवाते हैं उसमें। हाँ। तो उन्होंने कुछ लोगों ने पैसे लेके रख लेते हैं लड़कों को। हाँ। तो उसमें कमरे भी है तो 200 रुपए कमरे में मिल जाता है, या फिर बाहर रुकना चाहो तो 100-150 रुपए में उधर भी रुक जाता है, रुकने कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट वहीं जा सकते हैं मतलब। और खाना वाना सर, खाना वगैरह? सर खाना भी उसके अंदर ही मिलता है, पर उसका अपने को चार्ज पे करना पड़ता है 70 रुपीज। हाँ सर, व्यक्ति के हिसाब से खाना वाना पेट भर के मिलता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती, सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सुबह उठ के अपन वहीं सीधे चले जाओ 5:30 बजे। हाँ सर, 5:30 बजे लाइन में लग गए गेट के सामने से, उसने अपना आधार कार्ड चेक किया और अपना जो एडमिट कार्ड रहता है वो दोनों साथ में रखो, ये दोनों चेक किया और फिर उसके बाद अंदर कर लेते हैं। सर एक बात और बताइए सर। हाँ बोलिए। सर जैसे जो अंदर करते हैं वो सर यदि जो पहले पहुंच जाएगा उसका पहले खत्म हो जाएगा, ऐसा है क्या सर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। वो तो क्या है, नाम बोलते हैं अंदर जाके, वो तो सीक्वेंस वाइज बोलते हैं, उनके पास लिस्ट रहती है, चाहे मतलब कोई लेट जाए तो उसका भी उसी नंबर पे होगा। नहीं ज्यादा लेट जाएगा तो वो सबका लास्ट में पहुंच जाएगा, मतलब 5:30-6 बजे तक पहुंच जाएगा तो ठीक, कोई बात नहीं। इसके बाद 7 बजे तक पहुंच जाएगा तो फिर क्या रहता है कि वो नाम निकल जाता ना एक बार, तो जो उनका नाम निकल जाता है उनको सबसे लास्ट में पहुंचा दिया जाता है। ऐसा सर, तो सर मतलब 5:30 पर लग जाना है लाइन में? 5:30-6 तक पहुंच जाओगे अंदर, 6:30 तक तो बिठा लेते हैं वो। हाँ। और फिर थोड़ा लेट होगा 7 बजे तक, तो फिर वो सबसे जब सबसे लास्ट में जो पहुंचते हैं ना उनको सबसे लास्ट में कराते हैं। सर आपका कब, सर कहाँ था सर आपका ट्रेड टेस्ट?
नासिक में था मेरा। यस सर, हाँ सर बोलते रहिए सर। तो जैसे अंदर गए अपन, फिर वहाँ वो लाइन सीक्वेंस वाइज बैठा लेते हैं यस सर। और सभी बच्चे आ जाते हैं। इसके बाद फिर वो नाम अनाउंसमेंट करते हैं, तो उसके पिताजी का नाम बता दो अपने, और वो नंबर देते हैं अपना, वो सीरियल वाइज नंबर जितना भी है, एक नंबर से लगा के 500 600 जितने लड़के होते होते हैं, और नंबर अपना नोट कर लो, याद रख लो। उसके बाद फिर साइन वाइन होते हैं वही, यस इसके सर। बाद टेस्ट हम ले जाया करते हैं, और बेज बना देते हैं, बेज 50 50 लोगों का, कितना भी हो, चाहे 10 बीज हो तो 500 है तो 10 बीज बना देते हैं। फिर 2 3 घंटे आराम से बैठाते हैं वही कुर्सी पे अंदर ही। और सभी के लिए चेयर्स की व्यवस्था है सर। हाँ सब चेयर की व्यवस्था है, कहीं कहीं मतलब ज्यादा बंदे आ जाते हैं नीचे बैठना पड़ता है, पर ऑलमोस्ट सभी के लिए चेयर है। और अंदर बैठाते भी अपने माइरन नंबर आता है, जैसे कि बोल देते हैं कि वो अब इतना भी चल रहा है, बताते भी वैसे क्या क्या कराया जा रहा है अभी, क्या क्या नहीं कराया जा रहा है। और फिर अंदर ले जाते हैं, फिर 15 15 14 14 का बेच बना लिया था हमारा। यस सर। और फिर हम अंदर के जैसे गए तो हमसे बोल दिया कि आप 5 जनों को आटा बनाओ और एक रोटी बनाओ, सर और मतलब टाइम आपका कितने, कितने कितने ग्रुप बना दिए सर? 14 14। 14 14 लोगों का ग्रुप बना दिए। यस सर। और जैसे अंदर गए तो हम जैसे खड़े हुए तो उनने बोला कि अच्छा एक 5 जनों की 5 रोटी का आटा बनाओ और एक रोटी बनाओ, ठीक है सभी लोगों को। सभी लोगों को, जितने हम गए थे ना 14 उनको सभी को। तो उसमें क्या हुआ था कि टाइम ने कम दिया था, कितना? मतलब 5 7 8 मिनट दिए, 7 8 मिनट, पर क्या है जिसको एक्सपीरियंस नहीं रहता वो आटा बनाने में रह गया। हमारे बंद हमारे लोगों में से 14 में से 5 6 को तो आटे बनाते बनाते टाइम खत्म हो गया। और जैसे मैंने तो बना दिया था खाना, रोटी बना दिया था, आपने सर पहले से क्या एक्सपीरियंस कर रखा है सर? एक्सपीरियंस तो नहीं, पर मैं बाहर रहता हूँ तो एक्सपीरियंस है, 2 3 साल का मैं खुद खाना बनाता हूँ। हाँ हाँ सर, तो ये तो स्टूडेंट का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होता है। हाँ तो मेरे को तो था उसका नॉलेज, तो मैंने तो बना दिया फटाफट, 5 जनों के 5 रोटी का आटा बनाया हाँ सर। और एक रोटी बना के कम्प्लीट। सबसे पहले अपन खड़े हो गए तो सर आए, तो उनने बोला, मेरी गोल थी हालांकि, तो बोलते हैं कि तुम्हारी तो गोल बनी नहीं। तो मैंने बोला सर गोल ही तो है। तो फिर बोलता है कि कहाँ है गोल, मैंने कि सर ये सीखते गोल क्या हो, क्या वो है क्या मशीन मेरे पास, नहीं ऐसा तो नहीं बोला हालांकि कि मशीन है, पर मैंने कहा सर गोली तो है। तो बोले ठीक है, बस ऐसे चला गया मेरे पास से। फिर इतना मतलब ही वो सर। कितना ही गोल रहे कुछ भी रहे तो वो तो कुछ ना कुछ खामी निकाल ही देते हैं उसमें, क्योंकि सभी जितने बंदे आते हैं रोटी बनाना ऑलमोस्ट सभी को आते ही है, पर हाँ सर, लगभग सर। उनको और तो ऐसा सर कि निकालना रहता है कि इतने बंदे पहले को से सिलेक्ट पता करना। चल रहा है सर, पहले से पता चल रहा है, तो सभी लोग सीख के आ रहे हैं जिसको नहीं आता सर। और क्या है कि सर मान लो 100 बंदे हैं तो 100 बंदे में से 40% 40 बंदे तो रूम से रहते ही रहते हैं, तो उनको तो एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, ठीक हाँ सर। है। तो 500 में से यदि 40% भी निकाल लेंगे तो अपन 200 लड़के तो ऐसे ही सिलेक्ट होना चाहिए अपने हिसाब से, तो पर हाँ उतना लेते ही नहीं है ना वो, उनको तो चाहिए 50 60 बस। हाँ हाँ सर। तो वो कितने अच्छा बना दो, मेरे साथ एक भाई था 5 साल से होटल में काम करता है, उसको बाहर कर दिया। ऐसा सर? हाँ हाँ बोले कि तुमने ये इतनी पतली रोटी बना दी, अरे यार पतली बना दो तो वो अलग, वो मोटी बना दो वो अलग। हाँ उनका ये है कि ना थोड़ी ज्यादा पतली, एकदम पतली नहीं होना चाहिए कागज की तरह, हाँ और ज्यादा बड़ी भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा मोटी भी नहीं होना चाहिए, फूलना चाहिए सही, नहीं फूली तो खत्म खेल। मतलब फूलना तो एकदम 100% ही है। हाँ बुलाना तो है ही आपको। बस फिर हम जैसे कि हम बाहर निकाल दिए हमने, फिर थोड़े बहुत बैठाया, बोले कि अब रिजल्ट आएगा। फिर रिजल्ट आया तो उसमें से हमारे उसमें से तो 72 लड़कों को सिलेक्ट किया था, 600 500 550 600 थे। 72 लड़कों को सिलेक्ट किया। हाँ और फिर डॉक्यूमेंट मिले गए हमें, मेरा नाम तो आ गया, फिर मेरे को लगा था नहीं आएगा साला नाम, तो उनने बोला मतलब नाम आ गया था मेरा, तो हाँ फिर मैं डॉक्यूमेंट में गया, तो डॉक्यूमेंट नाम सर, कितने बजे तक नाम आ गया था सर आपका? सबको साथ में बोलते हैं वो पूरे लड़के, जब तक खत्म नहीं होता ना तब तक हाँ किसी को नहीं जान देते बाहर। सर, कुछ और क्वेश्चंस हैं सर मेरे, जैसे कि एक बात और बताइए। जैसे अंदर जो कि आपसे बनवाया, तो सर आपसे आटा मड़वाया और रोटी दोनों करवाया सर? हाँ मेरे से तो हमारे बेच में चलो एक ही बेच था ऐसा कि उसमें आटा बनवाया और रोटी बनवाया, हमारे पहले वाले 3 बेच निकल गए उनमें कुछ बस रोटी रोटी बनवाई, और हमारे बाद वाले ऐसा हुआ था कि जब रोटी अपन ने आटा बना दिया, ठीक है हाँ अब 5 रोटी का आटा बनाया अपन ने, एक रोटी अपन ने खुद ने बनाई थी, 4 जो बेच पीछे का आएंगे ना उनका तो आटा नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि आटा रहेगा ऑलरेडी, हाँ हाँ अब जो बस सर। 5 जो बेच रहेगा ना उसको फिर आटा बनाना पड़ेगा तो और सर रोटी ये बनानी तो पड़ेगी। सर इनइक्वालिटी हुई सर। इनइक्वालिटी तो है ही, अब वो तो उनके हिसाब से कुछ भी करवा सकते हैं, हाँ अपन ये, ऐसा थोड़ी ना बोल सकते कि हमसे तो एक ही चीज करवाओ, हाँ हाँ ये भी सही सर। हमने तो पूरा
रोटी बाटा सब। हाँ सर, फिर पर हमारा एज में ऐसा हुआ कि बेचारे बच्चों को रोटी बनाना था, मतलब टाइम कितना दिया नहीं, उनका अलार्म बज गया, वो हमने मना कर दिया, बस बंद करो बंद करो। हाँ, और कोई किसी की रोटी बनी नहीं बनी, हमारे हमारे लड़का उसमें से दो ही बच्चे सिलेक्ट हुए थे, एक मैं एक और भाई हो गया था हाँ। और सर ये बस। होता है, ये सब तवा किस प्रकार का था सर? और तवा जो अपना नॉर्मली रहता है ना, इससे थोड़ा बड़ा रहता है, थोड़ा हैवी रहता है, मतलब वेटेड और रहता है सर, उसको उठाना पड़ता है अपन को मतलब। हाँ वो रहता है उसमें उठाने का, वो जो खांचा होता है ना, तो हाँ उसको बोलते हैं पकड़ने का, वो रहता है उसको उठा के, इतना हाँ हैवी नहीं रहता, थोड़ा हल्का। हाँ अपना जो कड़ उससे रहता है थोड़ा भारी रहता है, वो बड़ा रहता है एल्यूमिनियम टाइप का। ठीक है तो और कुछ और पूछना है क्या? सर जैसे रोटी जो है अपन को तवे पर ही फुलाना है या वो मतलब चूल्हे पर ही फुलाना है? नहीं आप तवे पे फुला सकते हैं, तवे पे फुला दो, उनको तो फुला फूलना चाहिए रोटी, ये पर सब तवे में को फूलती नहीं है ना रोटी, तो सर, आप तवे पे कैसे हाँ फुलाओगे? ये सब क्वेश्चन क्या है सर उन भाइयों के हैं सर, जिन किसी के भी कोई डाउट होते हैं ना सर, सही तो बात सही बात। क्लियर करना जरूरी है सर। मैं तो सर वहां पर गया नहीं हूँ सर, लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो आपको तो पता है सर, तो इसी कारण तवे पे नहीं फुला सकते ना, कोई भी नहीं फुला सकता तवे पे, कैसे फुलाओगे आप, सर कुछ जल कुछ लोग जाएगी हैं या सर, कुछ? राजस्थान के जो लोग होते हैं ना सर, राजस्थान के सर, वो लोगों को बहुत एक्सपीरियंस रहता है सर तवे पर रोटी फुलाने का सर। हाँ तो वो ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो कर सकते हैं सर, उनको तो देखो तवे पे फुला जाओ, कैसे फुलाओ, उनको तो फुलाना चाहिए रोटी। ठीक है पर अधिकतर क्या होता है तवे पे फूलती नहीं है, मतलब 100% में से 1% ही चांस रहता है कि फूलेगी तवे पे। तवे पे सीख सकती है अच्छे से, मतलब कपड़ा लगा लगा के आराम से सीख जाएगी, पर मतलब फूलेगी जरूरी नहीं कि फूले, तो अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपन अपना जितना आता है उतना करो। हाँ ये भी आपका सही है। हाँ और अपना जैसे फुलाना चाहो वैसे फुला सकते हैं, बस फूलनी होनी चाहिए हाँ बस। उसके और बाद सर क्या? आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले गए सर। हाँ डॉक्यूमेंट का मैं सब बच्चों को बता देना, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ भाई वाला जो 10th का सर्टिफिकेट रहता ना, हाँ वो ऑलमोस्ट जरूरी है, मार्कशीट जरूरी नहीं है, मतलब हाँ वो भी जरूरी है, पर जो सर्टिफिकेट रहता ना सर वो जरूरी है, नहीं तो वो वहां से भगा देते हैं, बोले अब जब भी आओ 2-3-4 दिन बाद आना फिर लेके। ऐसा हाँ तो ये सबको बता देना, ये बहुत जरूरी, मेरे को कल ही मालूम पड़ा, मैं आपका पहला वीडियो देख रहा था 3 दिन से, हाँ किसी ने बताया भी नहीं, मेरे को पता नहीं था। मैं 10th की उनकी सबकी मार्कशीट फोटो कापी ले गया, वहां पता पड़ा कि उसको जो डॉक्यूमेंट वो जो सर्टिफिकेट मिलता है वो चाहिए। पहले क्या 2011 के पहले सर्टिफिकेट मिलता था 10th के साथ, आपको हाँ पता हो शायद। हाँ हाँ मिलता था सर। हाँ तो वो जरूरी है, वो ले जाना। अब तो क्या वो बंद हो गया, तो अब तो जो नए बच्चे हैं उनका तो कोई दिक्कत नहीं, पर जो पुराने जो मतलब जिनने 2011 का पहले 10th कर लिया था उनको जरूरी है वो, नहीं तो फिर क्या है, डबल डबल जाना पड़ेगा, एक बार नहीं लगाया तो फिर पिछले सर दो आपका तीन क्या हुआ सर, आप ले गए थे सर? मैं तो मेरे फाइल में लगे थे, मैं ले तो गया था, मतलब पर यूज मतलब फोटो का फोटो का तो कुछ नहीं कराया, आज तक जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी, तो मैं हाँ ले गया फिर, वैसे मेरे फाइल में रखा था, हाँ मैंने वही फोटो कॉपी करा कर दी थी उनको, पर कोई कोई नहीं ले जाते हैं या फिर उनको जरूरत ही नहीं पड़ती उसकी, तो वो नहीं ले जाते कहीं। हाँ ऐसा भी सही है सर आपका। सर क्या क्या फोटो कॉपी करवा के ले आना सर? देखो एक तो सबसे मेन काम है अपना कास्ट ओबीसी वाला, हाँ जो भी सर सेंट्रल का होना चाहिए सबसे हाँ मेन, ठीक है। हाँ दूसरा मेन है कि अपना 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और हाँ मार्कशीट हाँ दो। तीसरा है अपना डोमेसाइल, मतलब ये अपना स्थानीय निवासी, ठीक है। हाँ सर और यदि ड्राइविंग लाइसेंस हो किसी के पास तो वो भी ले जा सकते हैं, यस वो सर कंपलसरी नहीं है यस सर पर ले जा सकते हैं। चार हाँ सर और दो फोटो, बस ये चार चीज चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। ये सब चीजें ले जाना है सर। हाँ इनका ओरिजिनल मिल लेना है, फाइल देते हैं, फाइल में इनको इंक्लूड करो, और वो सर बैठते हैं तो उनको चेक करा दो, और फिर बस चेक करने के बाद अपनी फाइल बन जाती है, फाइल बनने के बाद अपने को फिर भेज देते हैं, जाओ घर। जिनके ऐसा डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते हैं उनको फिर बोल टाइम दे देते हैं 3-4 दिन का जो भी है, हाँ सर। इसको ले आना कुछ भी करना बना सर के। ये सभी लोग सर ग्रुप अलग अलग हैं, इनका समझ में नहीं आ रहा सर, ग्रुप बी वालों को भी करवाएं, सी वालों को भी करवा रहे हैं नहीं वहां तो बीबी के था यार, ऐसा सर। हाँ बी के थे, हमारे लिए तो सब बी के थे, एक भी नहीं था। वाटर किधर का चल रहा है वहां तो, और किसी का थोड़ी चल रहा है, हाँ नासिक में सर और कहीं चल रहा है वो बात अलग है। हाँ सर, सफाई वाले का भी सर हो चुका है सर, मैंने एक एक्सपीरियंस वीडियो डाला था सफाई वाले का, जो कि हो चुका है वहाँ पर। हाँ नासिक में हाँ सर तो पहले हो चुका होगा सर, अभी तो सर वाटर किधर का चल रहा है ओनली सिर्फ। यस सर। सर और कुछ आप कहना चाहोगे सर, इसको हजारों लोग आप सुनने वाले हैं सर, आप इनके बारे में कुछ कुछ मोटिवेट देना चाहते हो अपने भाई लोगों को तो बोलिए सर। देखो यार भाई ऐसा है कि अपना 110% मतलब जितना दे सकते हो तो दे दो, आप 99% भी दिया ना तो आपको फेल कर देंगे, उनको जरूरत ही नहीं बच्चों की, ठीक ऐसा सर है। हाँ आपने 100% दिया अपना पूरा,
तो आप ही पास हो सकते हैं, जिसके पास एक्सपीरियंस है 2-4 साल का वही पास हो सकता है इसमें तो, और उनके मूड के ऊपर है। उनने तो बोल लिया कि पास तो पास, अब तुम कितनी फुला दो, नहीं तो तुम उसमें कुछ ना कुछ तो निकाल ही देते हैं कमी। ये मेरी गोल बनी थी रोटी, हालांकि तो बोलता है इतनी इतनी गोल कहाँ है, तेरी तो गोल ही नहीं बनी। अरे मैंने कहा सर आप क्या, मैंने कहा सर गोली तो है, मैंने ऐसा बोला कहाँ गोल, वैसा बोल के चला गया मेरे पास से। ठीक है, मेरे को लगा फेल हो गया मैं तो, फिर मेरा नाम आ गया, लाइक मैं, क्योंकि मेरी फूली भी थी रोटी और गोल भी थी, पता नहीं उसको कहाँ से कुछ ऐसा सर दिख ये रही थी। फूलना 100% सिक्योरिटी है, मतलब फूलना तो डेफिनेटली चाहिए, नहीं तो तुम रिजेक्ट हो, फुलाना फुलाना तो पड़ेगी। तो पड़ेगी, और पहली रोटी फुलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अपन ने पहली बना दी नहीं फुली दूसरी बना दी, टाइम ही नहीं बचता इतना। हाँ हाँ ये भी आज सही से फुलाना तो हाँ फुलाना पड़ेगा। पड़ेगा, और जैसे कि फुला दिया अपन ने और दिखा दो उनको, नहीं तो क्या है कि फुला देते हैं फिर अपन रुक जाते हैं 1-2 मिनट, तो मतलब 10 सेकंड भी रुक गए 20 सेकंड भी तो वास्प निकल जाती है उसमें से, फिर नीचे बैठ जाती है। हाँ हाँ ठीक सर। है, तो जैसे कि अपने फूलने वाली है तो अपन सर को बुला लो, सर देखना है खाना रोटी, देख लेते हैं अच्छी बनती है, तो वो रख ही लेते हैं ऐसे, तो नहीं भगाते वैसे तो, पर वो क्या है कि उनको जरूरत ही नहीं है इतने बंदों की, तो रोटी तो सबकी अच्छी बनती है मेरे हिसाब से। हाँ ये भी सही है सर, किसकी खराब बनती है सर। हाँ रोटी तो कोई सभी बना लेता है सर आजकल आपके तो, ग्रुप में गर्ल्स गर्ल्स कितनी थी सर, थी 10-12 थी शायद, और कितने का सिलेक्शन हुआ सर, में से 4 गर्ल्स को बाहर निकाल दिया, 7-8 का हो गया। मतलब सर लड़कियों का वो 50% ज्यादा चांस ही है लगभग। हाँ उनका चांस है ज्यादा, क्योंकि और वो पहले से जन्म से जब से बनाती है ना खाना, तो हाँ ये उनका भी पूरा सही है। एक्सपीरियंस रहता है, अब उनको तुम थोड़े निकाल सकते ऐसा। हाँ हाँ सर सर वो जो घबरा जाती है लड़कियां, वो सही से नहीं बना पाती, अब उनका तो कुछ कर नहीं सकते ना, हाँ सर उनको तो फेल करना ही पड़ेगा, पर उनको प्रायोरिटी ज्यादा रहती है, क्यों, क्योंकि वो लड़की है, और सर को भी देखना पड़ता है। हाँ ठीक है बना रही हो, क्यों, अब रोटी बनाना किसको नहीं आता, वो लड़की हो जब से बना रही है अभी तक बना रही है, सर अपना आप तो कुछ इतना है कि 1-2 साल बनाए। सर हाँ बोलिए। सर कुछ और स्पेशल कुछ कहना चाहोगे, जिससे मतलब कुछ और मोटिवेशनल या कुछ स्पेशल हो आपकी ओर से। सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से दो हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसा नहीं है कि उनका मन के ऊपर है, आपने अच्छा बनाया तो आपको लेंगे ही, क्यों नहीं लेंगे, वो तो सर ऐसे थोड़ी ना कि नहीं लेंगे आप, यस सर यस सर। आपने अच्छी खाना अच्छी रोटी बनाई है तो उसको उनको बोलो कि सर अच्छी है, ऐसे तुम चुपचाप बैठे रहे ना खड़े रहे तो ठीक है, वो सब मतलब इतने वो नहीं देते। मैंने मेरे मैंने से बोला कि गोल है, मैंने कहा सर गोल तो है, ये कहाँ गोल नहीं है, बोले कि फूली थी, मैंने कहा हाँ फूली थी, अब तुम देख 1 मिनट बाद आए तो क्या फूली की फूली थोड़ी रहती है रोटी। सर सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना जो है एक्सपीरियंस अपने भाइयों के साथ शेयर किया सर, ऐसे इनको बहुत हेल्प मिलने वाली है सर। हाँ जी सर, और सर तो उसका थोड़ा आपका बता देना सर्टिफिकेट का है ना, आप जो जिसको बताना चाहो, क्योंकि हाँ वो क्या है कि दूर से आते हैं लड़के लोग, अब उन्हें ले आएंगे तो वो सारा दूसरी बार परेशान होते हैं, और एक ही बार में इतना परेशान हो जाते हैं कि आपको बताइए दूर जाने का कैसा है। सही है सर। सर हाँ ये सर आपका जो वीडियो है सर, आपको 5 बजे सर आपको यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा सर, आप यदि देखना चाहो तो सर।